हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़ॉन का क्लोथिंग हॉल। और क्योंकि अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं ना, तो थोड़े कलरफुल से अच्छे अच्छे से मैंने कुछ सूट चुन के निकाले हैं आपके लिए। एक इसमें टॉप भी है जीन्स वगैरह के ऊपर डालने के लिए, बाकी और सारे सूट हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। बाकी ये वीडियो जो है वो कोलैबोरेशन है MHS के साथ में, तो उनके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से जाकर आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉप है ना, मैं वही आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सूट दिखाऊंगी। ये जो अभी मौसम आने वाला ना, हल्का हल्का ठंडा, उसके लिए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा। पॉलिएस्टर का इसका कपड़ा है और ये मुझे बड़ा सुंदर और डिसेंट सा लगा। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। यहाँ पर आपको कॉलर मिल जाता है और साथ में मिलता है वी नेक। ब्लैक कलर के ट्राउज़र या जीन्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इवन वाइट के ऊपर भी आप इसको कैरी कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। स्लीव्स देखिए कुछ ऐसी ना, बड़ी प्यारी सी इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन है। इस तरीके से कुछ फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच किया हुआ है, तो इसका कलर मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आ गया था। उसके बाद मुझे ये वाले जो कुर्ता है ना, इसका कलर बहुत पसंद आ गया था। ये लखनवी चिकनकारी का कुर्ता है। मुझे पता है ये मुझे ना समर्स में ख़रीदना चाहिए था, बट मैं अभी इसको पहनूंगी कुछ दिनों तक। बहुत ही सुंदर सा इसका पीच कलर है, बड़ा प्यारा कलर है। इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है और ये ना स्लिप के साथ आता है। अंदर का जो इनर है ना, वो इसके साथ में आता है, वो मैंने पहना हुआ है अभी। वाइट प्लाजोज, वाइट लेगिंग्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने भी इसको वाइट लेगिंग के साथ कैरी किया हुआ है और बहुत कंफर्टेबल है। इतना अच्छा लग रहा है ना इसको पहन के कि मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल हल्का सा, लाइट सा, और देखने का भी ये बहुत अच्छा है। मैंने इसमें मीडियम साइज़ लिया है, लेकिन फिर भी ये मुझे ना थोड़ा सा यहाँ वेस्ट लाइन पे ना ढीला है, तो मे भी हल्का सा मैं इसको टाइट करवाऊँ। थोड़ी सी अल्ट्रेशन इसमें मांग रहा है, बट ऐसे ओवरऑल मुझे ये कुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसके बाद मैंने मंगाई है ये थोड़ा सा पीच एंड पिंक कलर का मिक्स है, ये फ्लेयर्ड कुर्ती। ये रंगीता ब्रांड से है और इस पर ये फॉइल प्रिंट का जो काम होता है वो हुआ हुआ है। नेक पे ना ये आपको थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। इसमें आपको मिलती है 3/4 स्लीव्स और इसको आप वाइट कलर के प्लाजो वगैरह के साथ में कैरी कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सा ये कुर्ता है, फेस्टिव के हिसाब से बहुत अच्छा है। लाइट भी है और ये रियॉन मटेरियल में है, तो बहुत कंफर्टेबल भी रहेगा। बाकी आप अच्छे से एसेसरीज़ के साथ आप घर में पहनो तो बहुत ये सुंदर लगने वाला है। छोटे मोटे जो भी फेस्टिवल चलते रहते हैं ना, उनके हिसाब से ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आया और कलर भी बहुत अच्छा है। सेम ब्रांड से ही मैंने ये दूसरा कुर्ता भी ऑर्डर किया है। ये ऑफ वाइट में है और इसमें काफ़ी सारे कलर्स और हैं। इसका भी जो मटेरियल है वो रियॉन का ही है। उस कपड़े से ये वाला कपड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। उस वाले सूट में ना फॉइल प्रिंट है, इस वाले सूट में मतलब ये कपड़े के अंदर जो सेल्फ प्रिंट होता है वो है, तो ये ज़्यादा आई थिंक लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। उससे ये मुझे अच्छा लग रहा है। और इसमें भी आपको 3/4 स्लीव्स मिलती हैं। यहाँ पर देखिए ये कैसा कलर कॉन्ट्रास्ट, मतलब इसका कलर बहुत ही प्यारा और ये जो इसके ऊपर प्रिंट है ना, ये बड़ा ही सुंदर है। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए बॉटम में आपको ऐसे मिलता है जैसे स्लीव्स पे किया हुआ है, एक बॉर्डर टाइप का इफेक्ट दिया हुआ है। सिंपल राउंड नेक है इसमें और इसमें ना आपको फ्रंट से स्लिट मिलता है। ये देखिए यहाँ से आपको स्लिट दिख रहा है, ये ऐसे स्लिट मिलता है और यहाँ से ये पूरा बॉर्डर वर्क किया हुआ है, तो इसका लुक जो है ना पहनने के बाद काफ़ी अलग आएगा। सिंपल कुर्ते से हल्का सा अलग इसमें कुछ करने की कोशिश की गई है, जो कि दिख रही है और अच्छी लग रही है एक्चुअली में। तो मुझे ये कलर बहुत पसंद आया, वाइट और जो ब्लू पिंक रेड इन सब का कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कुर्ता। लास्ट में जो मैंने कुर्ता लिया है ना, ये थोड़ा हैवी है, एकदम फेस्टिवल के हिसाब से अप्रोप्रिएट है और ये पूरा सेट है। कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा प्रिटी खिला हुआ कलर है फेस्टिवल के हिसाब से। और ये चंदेरी सिल्क में है। स्टाइल जो है वो उसका ए लाइन है, इसमें पूरा जरी का काम है। बहुत ही सुंदर कुर्ता ये मुझे लग रहा है। इसमें ना दो कलर्स थे, एक तो रेड था और एक ये वाला पिंक कलर था, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था रेड से। इस तरीके से देखिए कढ़ाई का कितना ही सुंदर काम किया हुआ है इसमें।
ऐसे आपको ये 3/4 स्लीव मिलती है, यहाँ पे गोटा पट्टी दिया हुआ है और पूरे कपड़े पे ऐसे सेल्फ डिज़ाइन है। कितना सुंदर लग रहा है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा गोल्डन थ्रेड है, ये जरी का काम है और इसमें आपको ये ऐसे ना टैसल टाइप के यहाँ लगे हुए डोरी मिलती है दोनों तरफ, तो थोड़ा सा आप इसको अपनी वेस्ट लाइन पे टाइट भी कर सकते हैं, हल्का सा डिफरेंट लुक हो जाता है। ये इनर भी बड़ा ही सॉफ्ट कपड़े का है, जनरली क्या ऐसे सिल्क विल्क होता है ना तो थोड़ा चुभता है, तो वैसा कुछ लग नहीं रहा है। सिल्क भी काफ़ी सॉफ्ट है, अंदर की लाइनिंग तो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ में आपको मिलते हैं ये प्लाज़ो जो कि स्टैंडर्ड है, ना ज़्यादा नैरो हैं और ना ज़्यादा वाइड हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट कपड़े में प्लाज़ो है ये। और आपको मिलता है ये सिंपल दुपट्टा, दुपट्टे में ज़्यादा तामझाम नहीं है क्योंकि सूट हैवी है। ये है दुपट्टा और इसमें पूरे में ना साइड में ऐसे गोटा पट्टी का काम किया हुआ है। कैसा है सूट? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिटी सूट लग रहा है। तो ये सारे कुर्ते और सूट, इसमें एक टॉप भी था, मैं बड़े चुन चुन के आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इनमें से कोई भी कपड़ा आपको अच्छा लगा है जो आप अपने डेली वेयर या फेस्टिव वेयर के हिसाब से लेना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।